हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मोटिवेशन के ऊपर है। रियल स्टेट का ना होकर मैंने ये कोई चीज़ नोट की ज़िंदगी में कि नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है वो हमेशा हमें तंग करती रहती है। यदि हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो तो हम ज़्यादा बड़ी से बड़ी समस्या में से भी बाहर निकल जाते हैं। सो दोस्तों, ये नेगेटिविटी वर्सेज पॉजिटिविटी पर ही मैंने आज का वीडियो का टॉपिक रखा है। सो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हर आदमी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, हर आदमी नीचे से ऊपर जाना चाहता है और ऊपर जाने की कोशिश भी करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के स्वभाव में है कि वो तरक्की करेगा ही करेगा। जैसे एक लकड़ी का स्वभाव है, उसको हम जितने मर्जी गहरे पानी में फेंक दें, वो तैर के ऊपर आ ही जाती है। इसी तरीके से आदमी को भी जितने मर्जी समस्या में गाड़ दो, वो अपनी दिमाग के सहारे ऊपर आ ही जाता है, प्रोवाइडेड उसमें पॉजिटिविटी हो। लकड़ी का स्वभाव है ऊपर आना, 1 किलो की लकड़ी है और उसके ऊपर 5 किलो लोहा लगा दें, जो मैं जिसको नेगेटिविटी कहता हूँ। यदि हम 1 किलो लकड़ी के ऊपर 5 किलो लोहा लगा देंगे, 4 किलो लोहा लगा देंगे, तो लकड़ी भी डेफिनेटली डूब जाएगी। इसी तरीके से आदमी जितना मर्जी पॉजिटिव हो, यदि उसमें नेगेटिविटी हैवी हो गई, यदि उसमें नेगेटिविटी आ गई और नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया उसने, तो 100% वो आदमी की तरक्की भी रुक जाएगी और वो आदमी अपने आप में कहीं ना कहीं अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पाएगा और कन्फ्यूजन की ज़िंदगी जिएगा। सो दोस्तों, आपने देखना है कि नेगेटिविटी को कैसे नकारना है और पॉजिटिविटी को अपने अंदर कैसे लाना है। नेगेटिविटी के बारे में तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा नेगेटिव आदमी है, जो कई आदमी मेरे को मिलते हैं कि हम तो जी हर एक बात को नेगेटिव लेते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव आदमी है वो अपने बच्चों के रिश्ते भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बार बार ये दिखेगा कि जो उसकी बहू आएगी, उसके बेटे की बहू आएगी, उसको कैसे वो हैंडल करेगी, हमें कैसे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। यदि मैं बेटी की शादी करूँगा तो वहाँ ससुराल में उसके साथ पता नहीं कैसा व्यवहार होगा कैसा नहीं, ये नेगेटिविटी है। यदि इतने ज़्यादा हम नेगेटिव हो जाएंगे तो हम बच्चों की शादी भी नहीं कर सकते, तो और तो काम कहाँ हो सकता है। सो दोस्तों, आपने नेगेटिविटी से बचना है यदि आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो, यदि आप ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो, यदि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जितना भी हो सके नेगेटिविटी को कम कर दो और पॉजिटिविटी को ले आओ ऊपर। सो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। कोई इसके प्रति, आज के टॉपिक के प्रति आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।